हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों? आज हम ई की मात्रा का उच्चारण और लेखन सीखेंगे। अभी तक हमने आ की मात्रा के शब्दों का अभ्यास किया, नए नए शब्द बनाए, सरल वाक्य बनाए, चित्र बनाए, उनमें रंग भरा। अब हम आज ई की मात्रा का उच्चारण और लेखन सीखेंगे। ई की मात्रा किसी भी अक्षर के पहले लगकर उसकी ध्वनि को छोटा कर देती है। आइए मैं आपको उदाहरण के साथ बताती हूँ और इसकी अभ्यास के द्वारा हम फिर बाद में दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्दों की रचना करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ई की मात्रा का हम कैसे उपयोग करते हैं, ई की मात्रा को हम कैसे लगाते हैं। बच्चों, ये है ई की मात्रा। ई की मात्रा किसी भी शब्द के पहले लगती है, जैसे कि छोटी मात्रा है और वो शब्द की ध्वनि को भी छोटा कर देती है। और छोटे बच्चे जैसे हाथ पकड़कर आगे आगे चलते हैं, ऐसे ही ई की मात्रा भी शब्द के आगे लगती है। हम एक एक शब्द का कैसे उच्चारण करेंगे ई की मात्रा लगाकर, ये देखेंगे और सीखेंगे। जैसे क जमा इ की मात्रा क्या बन गया? कि। ख जमा इ की मात्रा क्या बनेगा? खी। आपने भी साथ साथ बोलना है। ग जमा इ की मात्रा क्या बन जाएगा? गी। ये हर शब्द के उस स्वर को, उच्चारण को छोटा कर रहा है। घ जमा ई की मात्रा घी। च जमा ई की मात्रा ची। छ जमा ई की मात्रा छी। ज जमा ई की मात्रा जी। झ जमा ई की मात्रा छी। ट जमा ई की मात्रा टी। ठ जमा ई की मात्रा ठी। ड जमा ई की मात्रा डी। ध जमा ई की मात्रा धी। आपने देखा ये शब्द कैसे बने। अब ऐसे ही हम बाकी के जितने अक्षर हैं उन सब का भी ई की मात्रा लगाकर कैसे पढ़ेंगे ये सीखेंगे। आप सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे भी ताकि आपको इसका उच्चारण भी आए। त जमा ई की मात्रा ती। थ जमा ई की मात्रा थी। द जमा ई की मात्रा दी। ध जमा ई की मात्रा धी। देखा आपने, सब अक्षर से पहले छोटी ई की मात्रा आगे आती है शब्द से, उस अक्षर से पहले। प जमा ई की मात्रा पी। फ जमा ई की मात्रा फी। ब जमा ई की मात्रा बी। भ जमा ई की मात्रा भी। य जमा ई की मात्रा यी। र जमा ई की मात्रा री। ल जमा ई की मात्रा ली। व जमा ई की मात्रा वी। स जमा ई की मात्रा सी। ह जमा ई की मात्रा ही। हमने भी इन्हीं शब्दों को बार बार उच्चारण करना है और लिख कर एक बार देखना है ताकि हमें प्रत्येक अक्षर के साथ ई की मात्रा का उच्चारण और लेखन दोनों समझ में आ जाए और उनकी सहायता से हम बाद में दो अक्षर वाले और तीन अक्षर वाले शब्दों की रचना कर सकें। ठीक है बच्चों, बाय बाय।